हेलो मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नए क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन बेहद पसंद आएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी क्वेश्चन आंसर कैसे लगते हैं जरूर से बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन है, आपका जानू आपको कितना मिस करता है अकेले में, यानी जब फ्री होता है तब, या आप ही उनके ख्यालों में डूबे रहते हो। चलिए क्लियर कर लेते हैं इस बात को भी यहाँ पर, ठीक है। आपका जानू आपको कितना मिस करता है अकेले में, या आप ही उनके ख्यालों में डूबे रहते हो। तो चलिए इसका जवाब आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, याद दिला देती हूँ, अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप मुझे अपना सवाल भेज सकते हो। सवाल बस पहले से हमारे चैनल पर मौजूद ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पहले से मौजूद हो तो आप उसे वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पर बार बार वीडियो नहीं ला सकते हैं अपने चैनल पर, है ना। तो कुछ रूल्स होते हैं ना YT के, तो फॉलो करना होता है। तो चलिए, नंबर दिए गए थे चूजिंग के लिए, तो उम्मीद करती हूँ आपने चूज कर लिए होंगे। यहाँ पे काउंट डाउन हो रहा है, आंसर इसके बाद आएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आंसर। जिसने भी चूज किया इस 10 नंबर को, आंसर क्लियर करते हैं। 10 नंबर पे आंसर है आपके लिए, वो अकेले में तो आपको इतना ज्यादा मिस करते हैं कि आपकी एक आवाज सुनने के लिए बेचैन हो जाते हैं। यानी उनका तो तुरंत से मन होने लगता है कि आपको कॉल करें, आपका एक मैसेज आ जाए जिसको मतलब वो रिप्लाई कुछ दे सके, यानी किसी भी एंगल से आपसे बात हो सके, ऐसा वो चाहने लगते हैं। 20 नंबर का आंसर क्लियर करते हैं। 20 नंबर पे आंसर है, जब भी वो अकेले होते हैं उन्हें आपकी बातें ना चाहते हुए भी याद आने लगती हैं, सिर्फ आप ही उनको अपने ख्यालों में नहीं रखते हो, वो भी आपको अपने ख्यालों में हर वक्त रखते हैं, ठीक है। 30 नंबर का आंसर क्लियर करेंगे। 30 नंबर पे आंसर है आपके लिए, आप उनके दिल में तो हर वक्त रहते हो, तो उनके बिजी होने या फ्री होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब जितना वो बिजी होते तब आप उनके ख्यालों में जितना होते उतना ही फ्री टाइम में होते हो, यानी इक्वल इक्वल, ठीक है। 40 नंबर का आंसर क्लियर करेंगे। 40 नंबर पे आंसर है आपके लिए, वो जब अकेले में होते हैं तब वो जरूरी नहीं कि आपके ही बारे में सोचे, उनके ख्यालों में तब कोई मतलब कई अनजाने चेहरे घूमते रहते हैं, बस उनको अपनी शादी की पड़ी रहती है हर वक्त, यानी कि वो शादी के ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं अपने मन में, फिर चाहे वो कोई भी बंदा हो, ठीक है। तो मन बदलता रहता है ये कह सकते हैं। प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज सबसे पहले देखने के लिए। 50 नंबर वाल हो आपके लिए, आंसर क्लियर कर लेते हैं। 50 नंबर पे आंसर है आपके लिए, जितना आप उनको अपने ख्यालों में रखते हो उससे ज्यादा आप उनके ख्यालों में रहते हो उनके फ्री टाइम में, ये हकीकत है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज विजिट।